हरे कृष्णा। तो आज हम चर्चा करेंगे पितृ पक्ष के ऊपर, या जिसको हम श्राद्ध भी बोलते हैं। तो पितृ पक्ष 10 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक चलेगा, जो कि भाद्र मास की पूर्णमासी से लेकर अश्विन मास की अमावस्या तक चलेगा। तो कई बार हम लोग सोचते हैं भी श्राद्ध करते तो है, हम लोग हैं, क्या वो हमारे पूर्वजों या पितरों तक पहुंचता है या नहीं पहुंचता है। तो ऐसा कहा गया है कि देवकृत कार्य से पितृकृत कार्य करना हमें बहुत ही जरूरी है। जिस प्रकार हम किसी देवता के व्रत रखते हैं तो उसका हमें फल मिलता है। अगर हम सोमवार के शिवजी के व्रत रखेंगे तो उसका हमें कुछ फल मिलेगा। अगर नहीं रखेंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा, पर अगर हम श्राद्ध नहीं करते तो उसका हमें नुकसान जरूर होता है और हमारे पितर रुष्ट हो सकते हैं, जो कि हमारी कुंडली में पितृ रण के रूप में उभर कर सामने आते हैं। और हमारी जीवन में कई मुश्किलें ऐसी हैं, जैसे संतानहीनता, बीमारी, और जैसे भूत प्रेत की छाया भी कई लोग बोलते हैं। तो ये सब हमारे श्राद्ध ना करने का नतीजा है। तो श्राद्ध करें कैसे, इसके बारे में आज थोड़ी चर्चा करेंगे। तो पहले तो ये बताया जाता है कि श्राद्ध पहुंचता है या नहीं पहुंचता है। तो हम बताते हैं कि वैज्ञानिक जिस प्रकार हम अपने अकाउंट से पैसे किसी के अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं तो क्या वो नहीं पहुंचते, उसी प्रकार जब हम श्राद्ध नियमित श्रद्धा के रूप में हम करते हैं अपने पूर्वजों के निमित्त, तो वैसे ही हमारी श्रद्धा जो है हमारे पूर्वजों या पितरों तक पहुँचती है। तो इसमें कतई भी संशय नहीं करना चाहिए कि हमें श्राद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हमें श्राद्ध अवश्य करना चाहिए, क्योंकि हमें पितृकृत कार्य जो है वो कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। ये सिर्फ साल में एक ही बार 15 दिन ऐसे आते हैं जिसमें हम अपने पितरों के निमित्त कुछ कर सकते हैं। वो क्यों करना चाहिए, क्योंकि हमारे एक जन्म के पितर नहीं है, कई जन्मों के पितर ऐसे हैं जिनका हमारे ऊपर ऋण है। तो ऐसे ऋण से मुक्ति के लिए हमें श्राद्ध जरूर करना चाहिए। कैसे करना चाहिए, बड़ा ही सिंपल सा विधि है जो कि कोई भी कर सकता है। हमें जो भी श्राद्ध करना है या जो भी खाद्य वस्तु हमने बनाई है उसको सबसे पहले भगवान कृष्ण को अर्पित करना है। जब हम भगवान कृष्ण को अर्पित करते हैं तो वो महाप्रसाद बन जाता है, और वही महाप्रसाद जब हम वैष्णवों या ब्राह्मणों को करवाते हैं तो वो हमारे पितरों तक बड़ी आसानी से पहुंचता है, और पितर हमारे तृप्त होके हमें आशीर्वाद देके जाते हैं और हमारे ऋण पितर से हमें मुक्ति दिलाते हैं। इससे हमें कई तरह की पीड़ाओं से मुक्ति मिलती है, जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं, किसी का व्यापार नहीं चल रहा, संतान नहीं हो रही, बीमारी है घर में, तो इन चीज़ों से हमें मुक्ति मिल सकती है। और अगर आप श्राद्ध के विषय में अलग अलग से जानकारी चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर से संपर्क कर सकते हैं, या श्री श्री गौर राधा कृष्ण मंदिर लक्ष्मण सर अमृतसर में आके भी संपर्क कर सकते हैं। तो श्राद्ध अवश्य करने चाहिए ताकि हमारे पितरों को तृप्ति मिल सके। हरे कृष्णा।